अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप साहब? खैरियत से? हम उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से ही होंगे। आज हम एक्सरसाइज 2.2 करने जा रहे हैं, उसमें हमने क्यूब रूट फाइंड करना है इसी नंबर का। तो -1 का क्यूब रूट फाइंड करना है, तो जब हम इस पर इसका क्यूब लेंगे तो ये -1 के बराबर आ जाएगा। अब आप इस माइनस को इधर ले आएंगे तो ये +1 के बराबर हो जाएगा और इक्वल टू आ जाएगा 0 पे। अब हम एक स्टेटमेंट पढ़ के, फार्मूला पढ़ के हैं, a3 + b3 जो है वो बराबर होता है a + b (a²), यहाँ प्लस है, प्लस b² यहाँ प्लस है, तो यहाँ माइनस आ जाएगी दोनों का हाथ लेकर। तो ये x का क्यूब है और ये 1 का क्यूब है, ये हो जाएगा x + 1² (1)² + 2)² यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगी 1 × 2 इज इक्वल टू 0 लिख देंगे आप। उसके बाद ये होगा x + 1 × x² + 1 - x इज इक्वल टू 0 के आ जाएगा। तो दो पॉसिबिलिटीज़ हो जाएंगी, x + 1 0 के बराबर होगा या x + 1 - x जो है वो 0 के बराबर होगा। तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -1। अब इस पर आप अपना क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे, x² - x + 1 इज इक्वल टू 0। तो x किसके बराबर होता है? -b + -b² - 4ac√2a, ठीक है ना। x इज इक्वल टू किसके होगा? -(-1)± b की वैल्यू -1² - 4×1×1√2×1 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 + -1² (1 - 4√2) आ जाएगा। x इज इक्वल टू आ जाएगा 1 + -3√2 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास था -1 + -3, तो हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा? -(1)± -3√2 के बराबर है। यानी इसको माइनस हम कॉमन ले लेते हैं, माइनस ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा? ये -1 + - था, -(+)-3√2 के आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास दो वैल्यूज़ बन जाएगी, -1 + -3√2, ठीक है, -(-) कर दिया, ठीक है, -(-)-1 - 3√2। यानी इस पर हमने माइनस से डिवाइड भी कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया, ठीक है। तो उससे क्या होगा? माइनस में आ जाएंगे। इसको हम एक को कहते हैं माइनस, और इसको एक ओमेगा है, तो दूसरा आपके पास क्या हो जाता है? ओमेगा² बन जाता है। तो इस सूरत में हमारे पास क्या है गया? -1 √ क्या बन गए? -1 - ओमेगा और -ओमेगा² आ गया। तो ये आपके पास इसके 2-3 रूट्स जो हैं वो निकल आएंगे -1 के क्यूब रूट। नेक्स्ट है जी हमारे पास इसी से रिलेटेड 8 का क्यूब रूट हमने निकालना है। 8 का क्यूब रूट क्या होगा? x³ = 8 के। तो इसको जब आप इधर ले आएंगे तो ये -8 हो जाएगा। अब ये आपके पास क्या हो जाएगा कि ये आपका x का क्यूब हो गया और ये -2 का क्यूब हो गया। तो क्या बन जाएगा? x - 2 (x²) + 4, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 2x = 0 आ जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा x - 2 = 0 और x² + 2x + 4 = 0 आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ गई 2। इस पर अब आप क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करें, -b + -,
बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अंडर रूट ओवर टू ए। एक्स की वैल्यू बी क्या है, प्लस टू, माइनस टू हो जाएगा, टू का स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन इंटू फोर ओवर टू इंटू वन आ जाएगा आपको पास। एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास, एक्स इज इक्वल टू माइनस टू प्लस माइनस जगह जगह फोर माइनस सिक्सटीन ओवर टू अंडर रूट आ गया, ठीक है नहीं। अब आपके पास क्या बन जाएगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस टू प्लस माइनस ये माइनस ट्वेल्व हो जाएगा ओवर टू के बराबर आ जाएगा। एक्स बराबर हो जाएगा माइनस फोर, इसको आप लिख लेंगे फोर मल्टीप्लाई बाय माइनस थ्री, यानी हमने ट्वेल्व को लिख लिया फोर मल्टीप्लाई बाय माइनस थ्री। अब देखें इससे आगे क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस टू प्लस माइनस, अब ये फोर का अंडर रूट क्या हो जाएगा, टू माइनस थ्री अंडर रूट ओवर टू बन जाएगी। अब आपके पास एक्स इज इक्वल टू, अब देखें टू आ रहा है, टू आप कॉमन ले लेंगे, माइनस वन प्लस माइनस थ्री अंडर रूट ओवर टू आ गया आपके पास। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, टू इंटू माइनस वन प्लस माइनस थ्री अंडर रूट ओवर टू, और एक्स की वैल्यू होगी टू इंटू माइनस वन माइनस इंटू थ्री अंडर रूट ओवर टू के बराबर। तो ये x बराबर हो गया 2, इसको हम ओमेगा कह देंगे, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू टू ओमेगा स्क्वायर। एक प्लस वाला ओमेगा हो गया, माइनस वाली ओमेगा स्क्वायर होगी, तो हमारे पास रूट बन गए 2 इंटू टू ओमेगा एंड टू ओमेगा स्क्वायर बन जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप 8 का क्यूब रूट जो है वो मालूम कर सकते हैं जी। नेक्स्ट आ गया जी हमारे पास 64 का हमने क्यूब रूट लेना है, इसको हम क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 64 आ जाएगा, तो एक्स क्यूब माइनस 64 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो क्यूब रूट निकालना है, ये एक्स का क्यूब है और ये आपके पास 4 का क्यूब है, ठीक हो गया। तो इसका क्यूब बराबर होगा x माइनस फोर, एक्स का स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगी, फोर इंटू एक्स आपके पास आ जाएगा। अब ये x माइनस फोर रहेगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फोर का स्क्वायर 16, और ये क्या हो जाएगा प्लस फोर, एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो के बराबर। तो दो पॉसिबिलिटीज होगी, x माइनस फोर ज़ीरो के बराबर होगा, या आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस 16 ये वाली रकम जो है ज़ीरो के बराबर होगी। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगी, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हम इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अंडर रूट ओवर टू ए होता है। तो बी है फोर, माइनस फोर हो गया, प्लस फोर का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए की वैल्यू वन है और सी की वैल्यू 16 है, इसको हम लिख लेंगे टू इंटू वन के बराबर आ जाए, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर प्लस माइनस 16, अब 16 को 4 से मल्टीप्लाई करें 64 आता है ओवर टू आ जाएगा। एक्स इज इक्वल टू माइनस वन फोर, अब 64 में से आप 16 जो है वो माइनस कर देंगे, ये आपके पास आ जाएगा 48 माइनस का, ठीक है, ओवर टू आ जाए। अब 48 को आप लिख सकते हैं 16 मल्टीप्लाई बाय माइनस थ्री, यानी हमने 48 को लिख लिया 16 मल्टीप्लाई बाय माइनस थ्री। माइनस थ्री के मल्टीप्लाई में लिखने की वजह है कि हमारे पास माइनस थ्री वैल्यू इस्तेमाल होगी, तो ये आपके पास आ गया माइनस फोर प्लस माइनस 16 का अंडर रूट लेंगे 4 आ जाएगा, माइनस थ्री अंडर रूट आ जाएगा ओवर 2 के बराबर आ जाएगा। अब देखिए इसमें से आपके पास 4 कॉमन आ रहा है, आप 4 कॉमन ले लेंगे, 4 इंटू माइनस वन प्लस माइनस माइनस थ्री अंडर रूट ओवर
टू के बराबर आ गया। तो यहाँ से आपके पास दो पॉसिबिलिटीज़ बन जाएंगी, फोर इंटू माइनस वन प्लस माइनस थ्री अंडर रूट ओवर टू, और एक एक्स हो जाएगा फोर इंटू माइनस वन माइनस थ्री अंडर रूट ओवर टू के बराबर आ जाएगा। तो ये एक्स बराबर हो जाएगा, ये बन जाएगा ओमेगा, फोर ओमेगा हो जाएगा, और ये आपके पास ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा फोर ओमेगा स्क्वायर के। तो आपके पास जवाब आ जाएंगे, रूट्स आ जाएंगे फोर फोर ओमेगा एंड फोर ओमेगा स्क्वायर। इस तरह से आप एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो बड़ी आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं।